गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, सभी अच्छे हैं, अपने घर में सुरक्षित हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश में लेसन 11, लव द नेचर। लेसन का नाम क्या है? लव द नेचर मीन्स प्रकृति से प्यार, हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए। तो ये क्या है बच्चों? पोयम है, राइम है, है ना? तो लेट्स लर्न द राइम। आज हम राइम लर्न करेंगे, फिर मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स सिखाऊंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सभी तैयार हैं? लव द प्लांट्स, लव द प्लांट्स, लव द एनिमल्स, लव द स्मॉल क्रिएचर्स टू, लव द पीपल, लव द बर्ड्स एज दे ऑल बिलोंग टू यू। इफ यू लव देम विथ टेंडर केयर, दे विल ऑल्सो लव यू। अगेन एक बार फिर से पढ़ते हैं। लव द प्लांट्स, लव द एनिमल्स, लव द स्मॉल क्रिएचर्स टू, लव द पीपल, लव द बर्ड्स एज दे ऑल बिलोंग टू यू। इफ यू लव देम विथ टेंडर केयर, दे विल ऑल्सो लव यू। अब मैं आपको पोयम का मीनिंग समझाती हूँ। लव द प्लांट्स मीन्स हमें प्लांट से प्यार करना चाहिए। वो हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, ग्रीनरी देते हैं, हरियाली देते हैं। तो हमें पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। लव द एनिमल्स, हमें एनिमल से भी प्यार करना चाहिए। देखिए डॉग क्या करते हैं, आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं, काउज, बफेलोज, ये हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। तो एनिमल से भी हमें प्यार करना चाहिए। लव द स्मॉल क्रिएचर्स टू, हमें सभी लिविंग बींग से, सभी प्राणी से प्यार करना चाहिए, सभी जीव जंतु से हमें प्यार करना चाहिए। लव द पीपल, हमें पीपल से, इंसानों से भी प्यार करना चाहिए, किसी से भी हमें कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए। लव द बर्ड्स, हमें बर्ड से, चिड़िया से प्यार करना चाहिए। एज दे ऑल बिलोंग टू यू, इनसे सभी से हमारे संबंध हैं। इफ यू लव देम, यदि आप उनसे प्यार करेंगे, विद टेंडर केयर, यदि आप उनसे प्यार करेंगे, उनको ऑफर करेंगे प्यार, तो दे विल ऑल्सो लव यू, तो वो भी आपसे प्यार करेंगे। तो सभी को राइम समझ में आई? लव द प्लांट्स, लव द एनिमल्स, लव द स्मॉल क्रिएचर्स टू, लव द पीपल, लव द बर्ड्स एज दे ऑल बिलोंग टू यू। इफ यू लव देम विथ टेंडर केयर, दे विल ऑल्सो लव यू। तो आपको ये राइम्स, ये वीडियो अच्छे से लर्न करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, लर्न द पोयम, और इस लेसन से आपने इस पोयम से क्या सीखा है वो भी आपको देखना है। ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।